हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। बट थिंग क्या है कि अभी मैं फ़िलहाल करतारपुर को ख़त्म करके अमृतसर गया। अमृतसर में मैंने एक रात गुजारे, हालांकि ऑलरेडी अमृतसर में से एक्सप्लोर था तो मैं ज़्यादा मतलब वहाँ एक्सप्लोर किया नहीं, बस कुछ खाने पीने के शॉप्स गए, बस उसकी ब्लॉगिंग मैं कर नहीं पाया। अभी फ़िलहाल मैं चंडीगढ़ आया हूँ और यहाँ से यार कुछ पब्लिक मोड ट्रांसपोर्ट दिख नहीं रही है मेरे को, बिल्कुल सुनसान इलाका, रेलवे स्टेशन हमारे पीछे है मतलब। और अभी चलते हैं अपन रॉक गार्डन की तरफ। तो इस तरीके से अपन दो बस चेंज करके अपन फाइनली रॉक गार्डन के आसपास पहुँचे हैं। और हुआ क्या कि वहाँ से निकलने के बाद हमने पहली बस ली, वो हमें सेक्टर 17 तक छोड़ा। सेक्टर 17 में क्या हुआ, थोड़ा सा हमने कुछ खाने पीने खा लिए और वहाँ से फिर मैंने दूसरी बस पकड़ के 239 नंबर की बस थी रॉक गार्डन पहुँचा। अब देखो कुछ समय यहाँ बिताते हैं और कमांगे इस। सो इस तरीके से अपन 30 रुपये का टिकट देके रॉक गार्डन के अंदर एंट्री ले लिए हैं। 1988 में इसका एक फैंटेसी पार्क जिसका निर्माण करवाया गया। और बिल पत्थर पत्थर ही दिख रहे हैं यार, क्या मतलब है इन चीज़ों का, ये तो मेरे को इतना आइडिया है नहीं, बस इन्होंने इस तरीके का बना रखा है। एंट्री एग्जिट ये सारे एक सारे सिमिलर आर्किटेक्चर लग रहे हैं, पता नहीं इन चीज़ों का कोई मतलब है भी या नहीं है भगवान। ये एक टोटली लैबरिंथिन स्ट्रक्चर बना हुआ है, भूल भुलैया टाइप, बट अच्छी बात है कि वन वे रास्ता है, उन्होंने बना रखा है सब कुछ। इस तरीके से लोग घूम रहे हैं आसपास। अंदर में मेरे को एक कुछ स्टैचू दिख रही है, शंकर भगवान है लगता है। तो भैया ये है पूरे रॉक गार्डन का माजरा, कुछ है नहीं, बस पत्थर 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 पत्थर। वैसे भी उन्होंने ऐसा ही नाम रखा है, फैंटेसी वर्ल्ड। यहाँ पे कुछ बीच बीच में थोड़े थोड़े फाउंटेन्स हैं बट कोई काम के हैं नहीं है। अंदर चलो। ओ भाई धीरे धीरे डोल म्यूजियम की तरफ पहुंचते हुए ये मिले हमारे भाई साहब करनाल से हैं। ये अभी भी जस्ट एक्सप्लोर करना शुरू किया है। रॉक गार्डन से निकलने के बाद कुछ दूर चल के अपन लोग पहुंच गए थे यहाँ म्यूज़ियम के पास। और यहाँ पे दो म्यूज़ियम है कंसेक्यूटिव, और एक में आर्ट गैलरी वगैरह है, पेंटिंग्स वगैरह हैं, मूर्तियाँ हैं। इधर वाले पीछे जो हमारे हैं इसमें पूरे डायनासोर की कहानी वगैरह है, ह्यूमन एवोल्यूशंस वगैरह है काफ़ी ज़्यादा। जो साइंस के प्रेमी हैं वो आ सकते हैं, हालाँकि जो साइंस हो गया वो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, बट ठीक है पिक्टोरियल फॉर्म में देख सकते हैं। सो आइए, बगल में ही यहाँ रोज़ गार्डन भी है। हाँ चंडीगढ़ में गार्डन ही गार्डन है,
समझे, दिल का कैसा है कि गार्डन हो गया अब तो। तो ये चीज़ें कुछ इस तरीके से चंडीगढ़ चल रही है। रॉक गार्डन ठीक ठाक था, कुछ इतना मतलब वाव भी नहीं कर सकते हो, सब कुछ ठीक है मतलब। पर ये चंडीगढ़ शहर की एक बात मेरे को और अच्छी लगी है, साइकिल की ट्रैक जो बनी हुई है बिल्कुल एफिशिएंट वे में है। हालांकि ये ट्रैक मतलब अखिलेश यादव ने लखनऊ में ही बनवाया है, बट वहाँ उतना एफिशिएंटली और प्रॉपरली वर्किंग नहीं है। तो ये हमारा है, मैं म्यूजियम से निकल के इधर हमारे साथ जतिन, म्यूजियम से निकल के अपन जा रहे हैं रोज़ गार्डन की तरफ। चंडीगढ़ की सड़कें नीट एंड क्लीन, झाड़ू सफाई सब बिल्कुल बराबर हो रही है, और देखते हैं कहाँ से मौका मिल पाता है क्रॉस करने का। बीच में तो जाना सही नहीं रहेगा। सो इस तरीके से मैं रोज़ गार्डन में पहुँच चुका हूँ। हमारे चारों तरफ गुलाब के फूलों के पेड़ लगे हुए हैं इस तरीके से, और बाकी तो बहुत सारे लोग घूम फिर रहे हैं अपने अपने झाड़ फूक के साथ साथ। और अपन को भी बहुत थकान हो रही है ज़्यादा, कोई इतना इच्छा नहीं कर रहा है मेरे को ये गार्डन गार्डन अब और करने का, फिर भी कोशिश करते हैं कुछ और सिनेमैटिक लेने का। सब फाइनली ये रहा अपना सपना लेक। हमने यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी है, खाने पीने के बहुत सारी चीज़ें हैं, और शाम का समय बिताओ और जाओ। और इसी के साथ मैं चंडीगढ़ ब्लॉग भी ख़त्म करता हूँ।